नमस्कार, एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। डिमना चौक के जलसाबार में हुए गोलीकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा सहित एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। नशे के खिलाफ अभियान में सरायकेला खरसावा पुलिस ने दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में ब्राउन शुगर, अवैध डोडा सहित तीन तस्करों को किया गिरफ्तार। आदित्यपुर टोल ब्रिज के पास अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार की घटनास्थल पर ही मौत, ट्रेलर चालक गिरफ्तार। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना चौक स्थित जलसा बियर बार में 11 सितंबर की रात हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने स्वराज नरसिंह गागराई नामक अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस के साथ एक खोखा बरामद किया है। उक्त आशय की जानकारी ग्रामीण SP द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने बताया कि दो गुटों के बीच कुछ बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी को लेकर गागराई ने अपना अवैध पिस्तौल निकालकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इस केस में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस के साथ खोखा बरामद किया गया। ग्रामीण SP ने बताया कि स्वराज गागराई का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। तारीख की रात को MGM थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जलसा बार है, वहाँ पे दो गुटों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसी के क्रम में जब पूछताछ की गई उसमें लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ी उसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर फायर कर दिया था, जिसके चलते दो व्यक्ति घायल हो गए थे। उसी संदर्भ में थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और एक FIR रजिस्टर किया गया और उसके तुरंत बाद से ही हम लोग की जो टीम थी वो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी थी। उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। जो मेन अक्यूज कल्प्रिट था, जिसके द्वारा वेपन यूज किया गया था, वेपन भी हम लोगों ने रिकवर किया। जो गोली चलाई थी वो गोली भी वहाँ से घटनास्थल से बरामद हुई है और उसी व्यक्ति की निशानदेही पर हम लोगों को दो गोलियाँ भी, जो जिंदा कारतूस है वो भी प्राप्त हुई। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट रहा टीम का हमारी और उम्मीद करते हैं कि आगे प्रायः जिस प्रकार की घटना ना हो तो बेहतर है, परंतु अगर होगा तो उसका हम लोग आप लोग को तुरंत परिणाम देने का कोशिश करेंगे। और लोगों का नाम लिया गया था तो वो जैसा भी FIR में जो कंटेंट होगा, जिनका भी नाम होगा, उनके ऊपर हम लोग फर्दर फ्यूचर में कार्रवाई करते रहेंगे। सरायकेला खरसावां जिले में नशे के खिलाफ सरायकेला जिला पुलिस का अभियान जारी है, जहां नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सरायकेला जिला पुलिस ने दो अलग अलग थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ बड़ा प्रहार करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसकी पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चांडिल अनुमंडल के SDPO संजय कुमार सिंह ने की। पहला मामला कपाली OP क्षेत्र का है, जहां एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान कपाली OP पुलिस ने कमरगोड़ा से दो युवकों को 53 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों कपाली के ताजनगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से एक स्कूटी भी बरामद किया है। दूसरा मामला ईचागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां ईचागढ़ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चांडिल SDPO के नेतृत्व में ईचागढ़ थाना क्षेत्र के चापड़ी गाँव के मंगल चंद्र गोराई के घर में छापेमारी करते हुए करीब 540 किलोग्राम अवैध डोडा को बरामद किया है तथा कारोबारी मंगल चंद्र कोराई के गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने इसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार युवकों का नाम मोहम्मद रमजान और मोहम्मद इरफान है। अभी सरायकेला जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष नशा मुक्ति अभियान लगातार चलाया जा रहा है और उसी के कड़ी में, नशा मुक्ति अभियान की कड़ी में ही कल हमने अपने अनुमंडल में अभियान चलवाया, जिसमें कपाली प्रभारी ने 53 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। इरफान अंसारी और रमजान अंसारी दोनों ताजनगर कपाली के रहने वाले हैं। इसके अलावा ईचागढ़ में भी चिपड़ी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ईचागढ़ के माध्यम से हम लोगों ने छापामारी किया और वहाँ भारी मात्रा में डोडा, लगभग 540 KG डोडा, इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसके कारोबारी मंगलचंद गोराई को गिरफ्तार किया गया है। तो ये कुल मिलाकर जो नशा मुक्ति का अभियान, नारकोटिक्स के विरुद्ध जो कार्रवाई करने का हम लोगों का सरायकेला पुलिस का जो SP साहब का ये है,
उसी में हम लोग ये लगातार कर रहे हैं और आगे भी इसको हम लोग करेंगे। इसको रोकने का हर प्रयास किया जा रहा है और आगे भी। बट मोटे तौर पर यही है कि डोडा हम लोग यहाँ झारखंड में नहीं कटता है, ये जब भी जाता है ये कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, पंजाब हरियाणा तरफ में ही इनकी खपत है। और इस संबंध में अनुसंधान से पता चलेगा कि कहाँ ये बेचते हैं कि आदित्यपुर से ला रहे हैं, और आदित्यपुर में जहाँ इन्होंने बताया वहाँ कुछ पता चल नहीं रहा है। बट इन लोगों का इसमें हम लोग गहराई से और करेंगे कि ये इनको देते कौन है, कहाँ से लाते हैं। कदमा थाना अंतर्गत टोल ब्रिज में अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आ जाने से स्कूटी सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बुधवार सुबह लगभग 9 बजे घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रेलर चालक को टोल ब्रिज में रोक लिया। भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार के चीथड़े उड़ गए, स्कूटी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने ट्रेलर चालक की जमकर पिटाई कर दी। बाद में सूचना पाकर कदमा पुलिस मौके पर पहुंची। भारी मात्रा में पुलिस बल के सहयोग से शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक पड़ोस का ही रहने वाला है। सूचना मिलते ही परिवार के लोगों का घटनास्थल पर पहुंचकर रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ट्रेलर के साथ चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुबह करीब 9 बजे के आसपास में कदमा टोल ब्रिज पर एक ट्रेलर इधर से आदिपुर की ओर जा रही थी और एक स्कूटी सवार भी इधर से मॉर्निंग वॉक से वापस घर आदित्य गार्डन जो टोल ब्रिज के बगल में ही है जा रहे थे। और ट्रेलर के द्वारा जो है ट्रेलर चालक के द्वारा ट्रेलर से स्कूटी में धक्का मार दिया गया और वो जिनका जो मृतक हैं वो उनका नाम है अमृत कुमार, वो गिर गए वहीं और ट्रेलर उनके सिर पर चढ़ गया और कुचल करके उनकी मृत्यु हो गई है। दरअसल सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और गाड़ी को जब्त करके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR किया जा रहा है एवं तदनुसार और जो कार्रवाई है वो विधि सम्मत की जा रही है। देखिए एक्सीडेंट में होता है कि आवेश में स्थानीय लोग आ जाते हैं और नारेबाजी करने लगता है, जो इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है, दुर्घटना होती रहती है और हम लोग जा कर के कार्रवाई भी करते हैं और फिर लोगों को जा कर के समझाया गया, लोग समझ गए। हाँ, मुआवजा की मांग हो रही है, जो मुआवजा विधि सम्मत जो होती है उन लोगों को समझा दिया गया है। वो हमारे स्तर से FIR दर्ज होने के बाद जो संभव होगा जहाँ से नियमानुकूल है होगा हम मुआवजा दिलाएंगे। कोल्हान प्रमंडल 5 समाज कल्याण समिति ने अपने हक अधिकार की मांग के लिए आज कोल्हान कमिश्नर कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया। कहा अनुसूचित जाति का दर्जा हम लोगों को जल्द दिया जाए। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में बड़ी संख्या में आज पान ताती समाज के लोगों ने चाईबासा कमिश्नर कार्यालय के सामने अपने हक अधिकार की मांग सरकार के समक्ष रखी। कहा हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो जल्द ही विधानसभा का भी घेरा करेंगे। वहीं कोल्हान प्रमंडल 5 समाज कल्याण समिति के संस्थापक उमाकांत दास और केंद्रीय अध्यक्ष मोतीलाल दास ने कहा कि हमारे समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार हम लोगों की मांग को नहीं सुन रही है, इसलिए मजबूरन हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। बरसों पुराना मांग है अनुसूचित जाति का। 70 के दशक में हमारे जाति को लोगों को पान की सुविधा मिल रहा था अनुसूचित जाति का, बाकी किसी कारण हमारा मांग को रोक दिया गया। अच्छा। और हम लोग को बहुत आशा था हेमंत सरकार से, पूर्ण विश्वास था कि हमारी मांगों को पूरा करेगा। हम लोग आज ये मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ा और पूरे कोल्हान में 14 विधायक हैं और 14 विधायक चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा जो समस्या में 14 विधायक हमारे पक्ष में रहे, अन्यथा 24 में चुनाव आ रहा है, उल्टा गिनती चालू कर रहे हैं। और हेमंत सरकार से अभी भी विश्वास है हम लोग को कि 20 दिन के अंदर हमारा समस्या का समाधान कर दे, और नहीं तो पहला आंदोलन है सब विधायक के घर में हम लोग जाएंगे, वो भी सभी मीडिया के साथी लोगों के साथ, अब उसका वक्तव्य लेंगे कि आप पान और ताती एक है या नहीं है, आप बताइए। अगर वो बोलता है कि एक है तो आप पेट में लिख के दीजिए। आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कोल्हान आयुक्त को,
समझे, और ये पूरे कुल्हान से तीनों जिला से लोग आए हुए हैं। और अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानता है, समस्या का समाधान नहीं करता है, तो अगला कदम है विधानसभा घेराव, हेमंत सरकार का घेराव। यहाँ तीन ठो मंत्री है, शोभा माझी, बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को हम लोग जैसा मंत्री बना पहले हम लोग ज्ञापन थे कि दादा हम लोग को तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमारा समस्या का समाधान करिए, तो चुपचाप प्राण में तेल डाल के बैठा है। अभी सुनने लगेगा, कुछ दिन के बाद सुनने लगेगा। कहे कि हम लोग के लोग बहुत सरल हैं, चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, बाकी आज मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा। नमस्कार, एसएससी न्यूज में आपका स्वागत है। जमशेदपुर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सुरेश संथालिया एंड टीम ने आज चैम्बर भवन में नामांकन किया। नामांकन करने के बाद सुरेश संथालिया ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन सदस्यों ने हमें चुनाव लड़ने का आग्रह किया, तब जाकर मैंने आज नामांकन किया। निश्चित ही जैसे पहले मैं सभी व्यापारियों के लिए सरल उपलब्ध रहता था, चाहे वह पान दुकान का व्यापारी हो या चाय दुकान का व्यापारी, मैं सबके लिए सरल उपलब्ध रहूँगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर व्यापारी हमें जिताते हैं तो चैम्बर को और ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में उद्योग और व्यापार का परिवेश बदल रहा है, सूचना और तकनीक की दक्षता ही आज के दौर में उद्यमिता की संजीवनी है। कॉमर्स का इलेक्शन हो रहा है, उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इस बार मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूं। और नॉमिनेशन फाइल जो आज हो रहा है सिंहभूम चैम्बर का, उसमें मैं अध्यक्ष पद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी चैम्बर का अध्यक्ष था और मेरी कतई इच्छा नहीं थी चैम्बर में अध्यक्ष बनने की। सोच इसलिए है कि जो वर्तमान कमिटी थी, जो वर्तमान टीम थी, उसके सभी वर्तमान पदाधिकारी, कल लगभग 9 पदाधिकारी हमारे पास आए, बोला कि वर्तमान नेतृत्व से हम लोग खुश नहीं हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हम लोग का नेतृत्व करें। तो हमने बोला कि हमको थोड़ा विचार करने के लिए टाइम दीजिए। उसके बाद फिर मैंने बहुत से कमिटी मेंबर से बात की, तो उनका भी यही मत था कि आप इस बार लड़िएगा तो हम लोग चैम्बर में आपके साथ लड़ेंगे, अन्यथा हम लोग इस बार चैम्बर में नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो फिर मैं, जनमत के आगे सब झुकता है, तो मैंने जो व्यापारियों की बात को मानते हुए मैंने इस बार नॉमिनेशन फाइल करने का निश्चय किया है, और मैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। और जैसा मेरा काम है कि 24/7 व्यापारियों के की सेवा में उपस्थित रहना, तो मैं रहूँगा। और चैम्बर भवन सभी के लिए खुला रहेगा, चाहे वह पान दुकान वाला व्यापारी हो, चाहे चाय दुकान का व्यापारी, चाहे गल्ला का व्यापारी हो, चाहे कपड़ा का व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी के लिए चैम्बर खुला रहेगा। और उनकी जो भी समस्या है उसको मैं त्वरित गति से पूरी करने की कोशिश करूंगा। सरायकेला खरसावा जिले के RIT थाना क्षेत्र के इच्छापुर में NIT जमशेदपुर के छात्र विकास कुमार महतो से चाकू का भय दिखाकर लूट करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अविनाश मुखी, नितेश गोप उर्फ करिंग, वासुदेव गिरी और सोनू कुमार गौर शामिल हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 चाकू और लूटे गए सामान बरामद किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सागर कुमार मेहता ने बताया कि बीती रात NIT के छात्र से लूट की गई थी। इस मामले में अविनाश मुखी और नितेश गोप समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पहले अविनाश और नितेश को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अन्य आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों ने बताया उन लोगों ने लूट का प्लान बनाया और एक ऐसी जगह की तलाश की जो सुनसान हो। इसके बाद उन्होंने इच्छापुर में लोगों को निशाना बनाने पर सहमति बनाई। घटना के दिन 2 लोगों को आते देखा और उन्हें चाकू का भय दिखाकर लूट कर ली। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।